नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यह हमारे अर्थ पर मौजूद सभी आइलैंड में से सबसे खतरनाक आइलैंड है, क्योंकि वहां पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। इस खतरनाक आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह अनजान है। नवंबर 2018 को जॉन एलन नाम का एक आदमी इस आइलैंड पर इनलीगल तरीके से जाता है। दरअसल इस आइलैंड पर जाने के लिए भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है। जॉन एलन वहां पर जाने के बाद वहां के लोग जॉन पर तीरों से हमला करते हैं और जॉन की मौत हो जाती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का इतिहास आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस द्वीप में सबसे पहले निवासी कहाँ से आए थे, लेकिन कहा जाता है कि इस द्वीप पर जनजाति कई सालों से यहाँ के जंगलों में रह रही है, जिन्हें चीनी, पुर्तगीज और अरब जहाजी व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया जाता था, और किसी कारण जहाज के दुर्घटना होने पर इन्हें इस जंगल में छोड़ दिया जाता था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है, जहाँ पर इस द्वीप के अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे अलग रहने वाले नॉर्थ सेंटिनलिस जनजाति के लोग रहते हैं। यह जनजाति अफ्रीका के निगरिटो समुदाय से आती है जो शिकार द्वारा अपना जीवन पलायन करते हैं। अगर हम बात करें इन जनजातियों के आक्रामक होने के बारे में, तो इन जनजातियों के साथ इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसे आज भी इनकी पीढ़ी भुला नहीं पाई है, जिसके कारण वे बाहरी लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं। इसलिए जब भी कोई बाहरी व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट करने के लिए या अनजाने में इस द्वीप पर पहुँचता है तो ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस आइलैंड पर जो लोग रहते हैं इनके लाइफ स्टाइल कैसी है इसकी जानकारी वैसे तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पर जाकर इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है इनके जानकारी लेना मतलब मौत के मुंह में जाना है। लेकिन भारत सरकार के सर्वे के अनुसार इनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया कि यह जनजाति अपने समुदाय के साथ झुग्गी झोपड़ियों में मिलजुल कर रहते हैं और अपने शिकार के लिए तीर और भाले का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में धीरे धीरे इन जनजातियों की जनसंख्या कम होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है बीमार होने पर सही से इलाज की सुविधा का न मिल पाना। सबसे पहले 1296 में मार्को पोलो ने अपने एक मेमोराई में लिखा था कि अंडमान में आदमखोर लोग रहते हैं जिनके तेज दांत और लाल आंखें होती है, और कोई भी आदमी इस आइलैंड पर कदम रखता है तो ये लोग उसे मार डालते हैं। मार्को पोलो ने अपनी मेमोराई में ये लिख तो दिया, लेकिन कोई भी इतिहासकार यकीन नहीं मानता था कि पोलो ने कभी अंडमान द्वीप पर पैर रखा था। सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र साल 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज इस आइलैंड पर सर्वे करने के लिए पहुंचा था। तब उन्होंने देखा था कि इस द्वीप पर आग जल रही थी। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में, तब एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश हो गया था। शिप में मौजूद थे 86 लोग जो इस आइलैंड पर उतरे, और शिप में मौजूद सभी लोगों को इस आइलैंड पर आदिवासियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह ही लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ और ये वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। साल 1818 में सेंटिनल लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कॉन्टेक्ट हुआ था। रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन अपनी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरते हैं, और उस आइलैंड पर घूमते घूमते उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिलते हैं, जिन्हें अपने साथ ही पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। लेकिन उसके बाद आदमी और औरत कुछ ही दिन में मर जाते हैं। बच्चों की भी हेल्थ खराब होने लगती है, तो पोर्टमैन उन्हें फिर से उस सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ देते हैं। 1896 में जेल से एक कैदी भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए इस आइलैंड पर पहुंचता है। 1-2 दिन के बाद सर्च टीम को उस कैदी की लाश मिलती है जिसके बॉडी पर तीरों से हमला किया हुआ था। 2004 में जब सुनामी आई थी तो इसके बाद सरकार ने इनको हुई नुकसान या इनका पता लगाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर को इस इलाके में भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर इस इलाके के ऊपर पहुंचता है तो वहां के लोग इस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। इसके पहले आराम कर रहे 2 मछुआरों को भी इन्होंने मार डाला था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बाद इन लोगों से कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ही रखना नहीं चाहते थे, और इसी के कारण बहुत से राज इन्हीं लोगों के साथ छिपे हुए हैं।